नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। अयोध्या से बड़ी खबर, गोसाईगंज से सपा प्रत्याशी अभय सिंह को गिरफ्तार किया गया है। सपा प्रत्याशी अभय सिंह पर फायरिंग का आरोप है। बीजेपी प्रत्याशी खब्बू तिवारी की पत्नी ने आरोप लगाया था। दोनों पक्षों ने फायरिंग और पथराव का आरोप है। मामले में पुलिस ने अभय सिंह को गिरफ्तार किया है। तो अभय सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले में पुलिस ने फिलहाल अभय सिंह को गिरफ्तार किया है और जांच जारी है। गोसाईगंज से सपा प्रत्याशी अभय सिंह को गिरफ्तार किया गया है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। गोसाईगंज से सपा प्रत्याशी अभय सिंह पर फायरिंग का आरोप लगा है कि इन्होंने फायरिंग की है। बीजेपी प्रत्याशी खब्बू तिवारी की पत्नी ने आरोप लगाया था। तो बीजेपी प्रत्याशी खब्बू तिवारी की पत्नी ने आरोप लगाया था। दोनों पक्षों ने फायरिंग और पथराव का आरोप लगाया था। मामले में पुलिस ने अभय सिंह को गिरफ्तार किया है। सपा प्रत्याशी अभय सिंह पर फायरिंग का आरोप है। चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में प्रत्याशियों से जुड़ी खबर कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन जब इस तरह की खबरें आती हैं कि आरोप लगा हो किसी प्रत्याशी पर, फायरिंग और पथराव जैसे आरोप, तो ऐसे में विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगते हैं। अब आपको बता दें कि इस पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। दो पार्टी के, एक पार्टी के प्रत्याशी और उनके समर्थक और दूसरी पार्टी के समर्थक की गाड़ियां आगे आमने सामने हुई थी। इसमें दोनों पक्षों का आरोप है एक दूसरे के प्रति कि पत्थरबाजी और फायरिंग की। दोनों पक्षों से किसी को किसी तरह की फायर आर्म इंजरी नहीं है। दोनों पक्षों द्वारा बताया गया है कि मामूली चोट एक एक दो दो लोगों को दोनों पक्षों से है। किसी को वैसी जाहिरा चोट नहीं है। मीडिया में तमाम जगह बहुत सारी चीज़ें भ्रामक इसमें फैलाई जा रही हैं। गाड़ियों के शीशे टूटे हैं। अब इसकी जांच की जा रही है कि कितने किस तरह की घटना में एक दूसरे पर पत्थरबाजी में टूटी हैं या अपने तोड़ के पेशबंदी की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था है। दोनों पक्षों द्वारा तहरीर दी जा रही है। प्राप्त तहरीर पर अभियोग पंजीकृत करके इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। दो पार्टी के लखनऊ से खबर, जहां बीजेपी कार्यालय पर आज बड़ी बैठक होगी। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर आगामी चरणों को लेकर बनेगी रणनीति। चौथे, पांचवें, छठे और सातवें चरण को लेकर मंथन होगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह मंथन करेंगे। बीजेपी की अगले चरणों की रणनीति को लेकर तय होगी रूपरेखा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रायबरेली के कमोली और ऊंचाहार में शाह की जनसभा है। लखनऊ कैंट में अमित शाह का प्रबुद्ध संवाद होगा। इतना ही नहीं, आज बीजेपी कार्यालय में संगठनात्मक बैठक में शामिल होंगे अमित शाह। तो चौथे चरण के प्रचार के लिए
बीजेपी का जोर, आज 3 जिलों का दौरा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बांदा, रायबरेली, लखनऊ में हुंकार भरेंगे अमित शाह। बांदा के तिंदवारी में जनसभा को संबोधित करेंगे। रायबरेली के कमौली और उच्चाहार में शाह की जनसभा है। लखनऊ कैंट में अमित शाह का प्रबुद्ध संवाद है। बीजेपी कार्यालय में संगठनात्मक बैठक में वो शामिल भी होंगे। तो आज अमित शाह कई बैठकों में मौजूद होंगे और साथ ही 3 जिलों का दौरा है आज अमित शाह का। सबसे पहले आपको बता दें कि अमित शाह एक मीटिंग भी करेंगे और उस मीटिंग में रणनीति तय करेंगे। चौथे चरण के प्रचार के लिए बीजेपी की रणनीति जोरों पर है। आज 3 जिलों का दौरा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह, जहां अमित शाह बांदा जाएंगे, रायबरेली जाएंगे और लखनऊ जाएंगे। बांदा के तिंदवारी में जनसभा को संबोधित करेंगे, तो वहीं रायबरेली के कमौली और ऊंचाहार में अमित शाह की जनसभा है। ऊंचाहार की अगर बात करें तो यहां से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं मनोज पांडे, जो 2 बार से जीतते आ रहे हैं और वो उत्कृष्ट मौर्य को हरा चुके हैं पिछले 2 चुनाव में। लेकिन इस बार जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा, उन्होंने ऊंचाहार से ही ये मांग की थी कि उनके बेटे को टिकट दिया जाए, लेकिन अभी तक इसको लेकर कुछ भी जवाब जब नहीं दिया गया, तो ऐसे में लगातार कोशिश यही है कि ऊंचाहार में मनोज पांडे अपनी कुर्सी बचाए रखें। और साथ ही इस बार का जो चुनाव है उनके लिए और भी खास है। इस बार का चुनाव मनोज पांडे के लिए खास तौर पर चुनौती है, जो कि ऊंचाहार से विधायक है। तो वहीं बीजेपी कार्यालय पर आज बड़ी बैठक है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर आगामी चरणों को लेकर रणनीति बनेगी। चौथे, पांचवें और छठे, सातवें चरण को लेकर मंथन होगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह मंथन करेंगे। इतना ही नहीं, बीजेपी की अगले चरणों की रणनीति को लेकर रूपरेखा तय होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। राजनाथ सिंह भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी मुख्यालय में बड़ी बैठक होगी और इस बैठक में रणनीति तय की जाएगी कि आखिर चौथे, पांचवें, छठे और सातवें चरण को लेकर कहां कौन प्रचार करेगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे इस बैठक में। बीजेपी की अगले चरणों की रणनीति को लेकर रूपरेखा तय होगी। बीजेपी कार्यालय पर आज बड़ी बैठक है। बीजेपी मुख्यालय पर आगामी चरणों को लेकर रणनीति बनेगी, जिसमें कई बड़े दिग्गज इस बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में प्रचार से लेकर जनता से जुड़ने से लेकर और इसके साथ ही तमाम जो बड़े नेता हैं वो किस किस जिले में मौजूद रहेंगे, इन तमाम चीजों को लेकर रणनीति तैयार होगी। तो वहीं चौथे चरण के प्रचार में भारतीय जनता पार्टी जुट गई है। यूपी के 3 जिलों के दौरे पर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा रहेंगे। सुल्तानपुर, अमेठी, लखनऊ में गरजेंगे जेपी नड्डा। दोपहर 12 बजे सुल्तानपुर में जनसभा है। दोपहर 1:50 पर अमेठी में जनसभा करेंगे जेपी नड्डा। तो जेपी नड्डा 3 जिलों के दौरे पर हैं, सुल्तानपुर, अमेठी और लखनऊ। इन तीनों ही जगह जाएंगे जेपी नड्डा और यहां पर जनसभा करेंगे जेपी नड्डा। जेपी नड्डा जनसभा करेंगे। चौथे चरण के प्रचार के लिए लगातार बीजेपी एक्टिव है और एक तरफ जहां अमित शाह आज यूपी के 3 जिलों का दौरा करेंगे, तो वहीं जेपी नड्डा भी आज 3 जिलों में दौरा करेंगे और यहां पर भी जनसभा करेंगे।
यूपी के 3 जिले सुल्तानपुर, अमेठी और लखनऊ में जेपी नड्डा जाएंगे। सुल्तानपुर, अमेठी और लखनऊ में जेपी नड्डा की जनसभा है, यहां पर वो जनता को संबोधित करेंगे और चौथे चरण के चुनाव के लिए ये प्रचार प्रसार किया जाएगा। तीसरे चरण की अगर बात करें तो तीसरा चरण 20 फरवरी को है और चौथे चरण को लेकर प्रचार प्रसार की शुरुआत हो गई है। चौथे चरण को लेकर प्रचार प्रसार किया जाएगा जिसके मद्देनजर 3 जिलों के दौरे पर जेपी नड्डा रहेंगे। तो वही चौथे चरण के लिए सीएम योगी का धुआंधार प्रचार जारी है। आज 3 जिलों में हुंकार भरेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। लगभग पीलीभीत, सीतापुर, लखनऊ में सीएम योगी का प्रचार होगा। सुबह 11 बजे पीलीभीत के पूरनपुर में जनसभा करेंगे। दोपहर 12:15 पर पीलीभीत के बीसलपुर में जनसभा करेंगे। दोपहर 1:30 बजे सीतापुर के सेवता में जनसभा करेंगे। दोपहर 2:45 पर सीतापुर के सिधौली रोड महमूदाबाद में जनसभा करेंगे सीएम योगी। तो सीएम योगी के ताबड़तोड़ आज दौरे हैं अलग अलग जगहों के। इन सब के बीच आपको बता दें कि पीलीभीत के 3 विधानसभा में जाएंगे सीएम योगी। पूरनपुर जाएंगे, बीसलपुर जाएंगे, इसके बाद सीतापुर भी जाएंगे सीएम योगी। चौथे चरण के लिए योगी आदित्यनाथ का धुआंधार प्रचार है आज, और आज एक के बाद एक 3 जिलों में जाएंगे सीएम योगी। आज पीलीभीत, लखीमपुर में जनसभा करेंगे अखिलेश यादव। सीतापुर, हरदोई में भी गरजेंगे अखिलेश यादव। दोपहर 12 बजे पीलीभीत में अखिलेश की जनसभा है। 1:30 बजे लखीमपुर खीरी में जनसभा करेंगे अखिलेश, और 2:30 बजे सीतापुर में जनसभा करेंगे अखिलेश यादव। शाम 4 बजे हरदोई में अखिलेश यादव की जनसभा है। तो आज अखिलेश यादव भी पीलीभीत में ही नजर आएंगे। पीलीभीत में अखिलेश यादव की जनसभा है। इतना ही नहीं, लखीमपुर भी जाएंगे और सीतापुर भी जाएंगे। दूसरी तरफ सीएम योगी का भी सीतापुर दौरा है और पीलीभीत दौरा है। ऐसे में लगातार समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने हैं। प्रचार के साथ साथ जनता को संबोधित भी किया जाएगा, और इसी रणनीति के तहत आज अखिलेश यादव का भी दौरा है। सबसे पहले वो सीतापुर, फिर पीलीभीत जाएंगे, और इसके साथ ही आपको बता दें कि यहां पर जनता को संबोधित करेंगे। तो वहीं 3 जिलों में जनसभा करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। फतेहपुर, लखनऊ, रायबरेली में केशव प्रसाद मौर्य की जनसभा है। सुबह 11 बजे फतेहपुर में केशव प्रसाद की जनसभा होगी। 12:30 बजे लखनऊ के मलिहाबाद में केशव प्रसाद मौर्य की जनसभा है। 2 बजे रायबरेली में जनसभा करेंगे केशव प्रसाद मौर्य, और 3 बजे रायबरेली के महाराजगंज में केशव प्रसाद की जनसभा है। तो आज केशव प्रसाद मौर्य भी 3 जिलों का दौरा करेंगे, अलग अलग जगहों पर जाएंगे। 2 बजे रायबरेली में केशव प्रसाद मौर्य जनसभा करेंगे, और 3 बजे रायबरेली के ही महाराजगंज में केशव प्रसाद मौर्य की जनसभा है। फतेहपुर, लखनऊ और रायबरेली में केशव प्रसाद मौर्य जनसभा करेंगे। साढ़े 12 बजे लखनऊ के मलिहाबाद में केशव प्रसाद मौर्य की जनसभा होगी। 2 बजे रायबरेली में जनसभा करेंगे
केशव प्रसाद मौर्य। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण की जंग जारी है। तीसरे चरण में जिन 16 जिलों में वोटिंग होनी है उनमें 9 जिले यादव बाहुल्य हैं। करीब 30 सीटों पर यादव मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। यादव लैंड में 2017 में बीजेपी ने सपा का किला ध्वस्त कर दिया था और एक बार फिर उन्हीं नतीजों को दोहराने के लिए बीजेपी मैदान में है, तो सपा के लिए अपना गढ़ बचा पाना बड़ी चुनौती है। यादव लैंड में बीजेपी कमल का फूल खिलाने की तैयारी में है, तो सपा यादव लैंड के सहारे साइकिल की रफ्तार बढ़ाने में जुटी हुई है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में दिनों दिन सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। पहले दूसरे के बाद अब नंबर है तीसरे चरण का, जहां 20 फरवरी को यादव लैंड की जंग होने जा रही है। यादव लैंड में बीजेपी कमल का फूल खिलाने की तैयारी में है, तो सपा यादव लैंड के सहारे साइकिल की रफ्तार बढ़ाने में जुटी हुई है। भाइयों बहनों, जब मैं मैनपुरी में आता हूं तो मुझे महाराजा तेज सिंह के किले की याद भी आती है, जिन्होंने अपने कालखंड में इस पूरे क्षेत्र को एक नई दिशा दी थी। और इसीलिए आज जब मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने प्रत्याशियों के समर्थन में मैनपुरी की इस महान जनता से संवाद करने के लिए आज यहां पर आया हूं, भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले आभारी हूं आप सभी का, जिन्होंने यहां पर आज इतना उत्साह दिखाया है। तृतीय चरण के मतदान के प्रचार का आज अंतिम दिन है। सायंकाल 6 बजे प्रचार कार्य बंद होगा, लेकिन भाइयों बहनों, मैं इस बात को कह सकता हूं कि आपका जो उत्साह है इस बात को प्रमाणित करता है कि मैनपुरी की इस बार चारों की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इटावा, औरैया, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कन्नौज, कासगंज, फर्रुखाबाद, हाथरस, 30 सीटों पर यादवों का दबदबा। 20 सीटों पर 40% यादव मुस्लिम मतदाता। यादव लैंड हम इसलिए कह रहे हैं कि तीसरे चरण में जिन 16 जिलों में मतदान होना है उनमें से 9 जिले यादव बाहुल्य हैं, जिन्हें सपा का गढ़ माना जाता है, और इन्हीं 9 जिलों के 30 सीटों पर यादव वोटर्स का सीधा सीधा दखल होता है। पिछले 2 विधानसभा के नतीजों पर नजर डालें और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जहां 2012 तक सपा का परचम लहराता था, वहां 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने कैसे बाजी मार ली। 2017 में बीजेपी ने 22 सीटों पर यहां जीत दर्ज की थी। 2017 में सपा महज 6 सीटों पर ही सिमट गई थी। 2012 में समाजवादी पार्टी के 26 उम्मीदवार यहां से जीते थे। 2012 में बीजेपी ने महज 1 सीट यहां से जीती थी। यादव बाहुल्य इलाकों में बीजेपी की 24 सीटें हैं और यादव बाहुल्य इलाके में समाजवादी पार्टी की 6 सीटें। 2022 की जंग कितनी नाजुक है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पहली बार अखिलेश यादव विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने अपने चुनावी जमीन जाटलैंड में ही तलाशी है। अखिलेश यादव ने यादव लैंड की सबसे सुरक्षित सीट करहल को चुना है। उम्मीद के साथ आए हैं, उनकी उम्मीदों को अगर कोई पूरा करेगा समाजवादी पार्टी करेगी, और मैं विश्वास दिलाता हूँ और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि नौजवानों की तादाद ज्यादा है। नौजवान जब खड़ा है तो पार्टी वजूद होगी, तो देख रहे नौजवान, लाखों लोग नौजवान हैं। इसलिए आज आपके बीच हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि आज बहुत भारी है सामने, कहीं आप देख रहे हैं कि वहाँ पर उधर अमेरिका क्या कर रहा है और उसके साथ साथ दूसरे देश
उनकी पूरी निगाह समाजवादी पार्टी पर और हिंदुस्तान की जनता पर निर्भर है। तो आज जनता हमारी विशाल जनसमूह है, हमारे दुनिया में सबसे मजबूत और ताजा ज्यादा समाजवादी पार्टी के लोगों की है। तीसरे चरण में यादव लैंड की राह सपा के लिए भी आसान नहीं होगी, जहां बीजेपी ने 2017 में सपा का किला ध्वस्त करते हुए 22 सीटों पर कब्जा किया था। इस बार बीजेपी एक बार फिर उन्हीं नतीजों को दोहराने के लिए मैदान में है, लेकिन सपा भी इस बार पिछली गलतियों से सीखते हुए नतीजों को बेहतर करने और साइकिल की रफ्तार बढ़ाने के लिए जद्दोजहद करती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन इंडिया। 2017 में यादव लैंड में बीजेपी ने बंपर जीत दर्ज की थी, लेकिन ऐसा कोई पहली बार नहीं था। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने सपा को ठीक इसी तरह पटखनी दी थी। यादव लैंड की 9 जिलों में सपा को सिर्फ 4 सीटें मिली, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में यादव लैंड में सपा सिर्फ मुलायम सिंह यादव वाली मैनपुरी की सीट ही बचा पाई है। आखिर सपा के गढ़ में बीजेपी ने कैसे सेंधमारी की, आपको दिखाते हैं। तीसरे चरण की लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। यादव लैंड समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। कहने को तो ये सपा का गढ़ है, लेकिन पिछले कुछ चुनावी आंकड़ों को जब आप देखेंगे तो बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को यहां से पछाड़ दिया। यही वजह है कि जिन्ना गन्ना जाट और मुसलमान से परे तीसरे चरण का चुनावी रण अब यादव लैंड और परिवारवाद की पिच पर शिफ्ट हो गया है। पहले तो हमें ये समझना होगा कि 2017 में आखिर समाजवादी पार्टी का किला बीजेपी ने कैसे ध्वस्त कर दिया और सपा को किसने धोखा दिया। सपा का किला कैसे ध्वस्त हुआ? यादवों में गोत्रीय विभाजन हो गया, घोसी यादव बीजेपी के साथ चले गए, शाक्य पाल लोध ने बीजेपी का साथ दिया, गैर यादव पिछड़े वर्ग ने सपा से किनारा कर लिया, गठबंधन जमीन पर मजबूत नहीं दिखा। इस रण में समीकरण, तस्वीरों और मुद्दों का रंग अलग है। शायद यही वजह है कि बयान भी अलग हैं। वैसे तो तीसरे चरण में पश्चिमी यूपी, अवध और बुंदेलखंड की भी बिसात है, लेकिन असली बाजी अखिलेश यादव के गढ़ में चल रही है, खासकर तब जब मुलायम सिंह यादव के परिवार के लोग चुनाव लड़ रहे हों। यहां तक कि साल 2014 में भी समाजवादी पार्टी को जो 5 सीटें मिली थी उनमें से 4 सीटें इसी इलाके की थी। 2014 में यादव लैंड में सपा ने 4 सीटें जीती, 2019 में सपा ने सिर्फ मैनपुरी सीट जीती, 2014 में बीजेपी ने यादव लैंड में 5 सीटें जीती, 2019 में बीजेपी ने यादव लैंड में 8 सीटों पर कब्जा जमाया। 2019 में बीजेपी ने उन सीटों पर भी समाजवादी पार्टी को शिकस्त दे दी जहां से यादव परिवार के लोग चुनावी मैदान में थे। ऐसा तब हुआ जबकि 2.5 दशक की राजनीति और व्यक्तिगत दुश्मनी को ताक पर रखकर बहुजन समाज पार्टी भी उसके साथ खड़ी थी। कहानी यहीं से बदलनी शुरू हुई और यादव लैंड में भी सपा की जमीन दरक गई और अब सपा उसी खोई जमीन को तलाशने के लिए जंग लड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन इंडिया। खबर दिल्ली से, जहां 1993 बैच के आईपीएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति, यूपी के 4 अफसरों को भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति मिली है। राजेश सबरवाल, एसबी शिराटकर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए हैं। संजय सिंघल, वितुल कुमार भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए हैं। तो ये 4 अधिकारी हैं जिन्हें केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है और नाम आपको हम दिखा रहे हैं। 1993 बैच के आईपीएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति, यूपी के 4 अफसरों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति मिली है, जिसमें कि राजेश सबरवाल, एसबी शिराडकर, संजय सिंघल और वितुल कुमार भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए हैं।
और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।